नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 5 मिनट की 25 खबरों का। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी आरएसएस नेताओं में मंथन। बांग्लादेश पर भी चर्चा हुई। सीएम हेमंत शर्मा ने मेघालय यूनिवर्सिटी के मक्का जैसे गेट पर उठाए सवाल, कहा नाम घर और चर्चा बनाओ, हम वहां जाएंगे। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ संसद से पास हो निंदा प्रस्ताव, भारत की मशहूर हस्तियों ने लिखा पत्र। त्रिपुरा में अवैध तरीके से घुसे 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, भारत से लगी सीमा पर उठने लगी सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हमलों की खबरें विचलित करने वाली। बांग्लादेशी हिंदुओं पर प्रियंका गांधी ने कहा धर्म के आधार पर हिंसा अस्वीकार। गोंडा में बाढ़ की जद में कई गांव, फिर बदला घाघरा नदी का तेवर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा। जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था, गोरखपुर में मरीज को नहीं मिल रही व्यवस्थाएं। ललितपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना, मुख्यमंत्री को संबोधन ज्ञापन। महोबा 2027 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे महोबा। अयोध्या उपचुनाव में सपा ने सौंपी कमान, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सपा से अवधेश को कमान। ट्रंप सरकार में एलन मस्क को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, ताजा इंटरव्यू से सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू। भारत बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाया जाए, बीएनपी नेता ने दोनों देशों के रिश्तों पर कही बड़ी बात। बाइडेन के चुनावी दौड़ से बाहर होने पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा यह एक तख्ता पलट था। इसराइल पर इस हफ्ते हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका ने कहा हमें तैयार रहना होगा। ट्रंप मस्क के लाइव प्रसारण में रोड़ा बना, डीडीओएस एक्स पर बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमले। समापन के बाद हॉकी टीम लौटी भारत, श्री जे समेत अन्य का फैंस ने किया भव्य स्वागत। दिनेश का वजन बना मुसीबत, इमाने के महिला होने पर उठे सवाल। पेरिस में नहीं पूरी हुई दोहरे अंकों में पदक की आस, लॉस एंजलिस के लिए मुश्किल हुई चुनौती। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पहलवान अंशु ने ब्रेक लेने का किया फैसला, मजबूत वापसी की उम्मीद जताई। निशानेबाजी में और पदक जीत सकते थे, अभिनव बिंद्रा ने भारतीय निशानेबाजों को लेकर कही ये बात। लोन नहीं चुकाए तो सीज हुई राजपाल यादव की प्रॉपर्टी, आनन फानन में बंद घर में कूलर चलता छोड़ गए अधिकारी। मुकेश खन्ना ने की एकता कपूर के शो की आलोचना, बोले उनकी महाभारत में द्रौपदी को टैटू बना हुआ था। जान सानू का अजीबोगरीब बयान सामने आया, कहा काले जादू से बिग बॉस शो मिला। पाकिस्तानी म्यूजिशियन हानिया असलम का निधन, महज 35 की उम्र में आया हार्ट अटैक।
डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने रेड 2 को लेकर अपडेट दिया, बोले शूटिंग खत्म, अब एडिटिंग चालू है।